तुझे पता तेरी कढ़ाई बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। आज हम आए हैं जी अपने चाचू के घर पे आरिफ वाला। मैंने आप लास्ट टाइम अगर व्लॉग देखा आपने देखा होगा हम आरिफ वाला आए हुए थे। तो अभी मेरे ये चाचू के मेरे कज़न हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ बड़ा कोई ज़बरदस्त ना मिलता है पकौड़े वाला है कोई कबूले में, उसके कोई दिन में 3-4 मन लगते हैं, तो हैं भी कोई डिफरेंट टाइप से। तो फिर मैंने इन्हें कहा यार चलते हैं फिर देख कर आते हैं, अगर ऐसा कोई है तो हम भी ज़रा व्लॉग उसका बनाते हैं वीडियो वगैरह। तो अब हम निकले हैं जी कबूले चलते हैं, और भाई की फैक्ट्री है वहाँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। वेखा फरीदा मिट्टी खुली भाईजान इस भाई को, और रोजाना के कोई ना 2 कमान इतने लगते हैं इसके यहाँ पकौड़े, और इसका है ही डिफरेंट था। मैंने देखा है अजीब से, और मल मल के इतना बनाते हैं क्यों भाई? ये बड़ा यूनिक है, और ये है कि अभी आपको अभी वो टेस्ट के लिए हमने उन्हें कहा है, तो वो फ्रेश मटेरियल बना रहे हैं देने के लिए। तो ये आप इसका टेस्ट डिफरेंट है, ये आम पकौड़ों की तरह कॉमन नहीं है, ये ज़रा यूनिक स्टाइल है इनका। और इनका बेसन भी ये खुद ग्राइंड करते हैं, और इन्होंने ग्राइंडर भी अपने लगाए हुए हैं। इनकी इतनी ज़्यादा कंजप्शन है बेसन की कि ये खुद पूरा करते हैं, इतना वो सप्लाई इन्हें नहीं कोई भी दे सकता, और प्योरिटी का मेन इशू है इसलिए खुद कर रहे हैं सारा। अच्छा, ये जगह छोटी थी और रश बहुत ज़्यादा है, मिनट बाद लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमने मैंने यही डिसाइड किया कि इधर से हम लेते हैं इसकी शॉप से, देखते ना इसकी शॉप से रश, तो यहाँ से लेते हैं। तो फिर हम चलते हैं, यहाँ फैक्ट्री है अपनी साथ ही मेरे चाचू की, तो वहाँ जाके बैठते हैं, वहीं जाके ट्रेस करते हैं। हमने जी अपने पकौड़े पैक करवा लिए हैं, अब जरा बैठते हैं गाड़ी के अंदर। फिर पर इतना रश है उसकी दुकान पे कि खड़े होने की जगह नहीं मिलती, और अजीब से पकौड़े हैं वो ये बनाते हैं पहले।
अच्छा इतने का अजीब किस्म के, मतलब ना इसकी रेसिपी जरा डिफरेंट है। मैंने देखा है वो आलूओं को अजीब सा काटा हुआ है, फिर उन्हें मलते हैं अच्छी तरह ना बेसन के अंदर, उसको अच्छी तरह लगाते हैं, फिर उसे फ्राई करते हैं, जब हाफ फ्राई हो जाता है उसे निकालते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, फिर फ्राई करते हैं ज़रा। और टेस्ट भी अजीब सा है, कलर भी अजीब सा है, कोई मसाले शसाले ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है। अभी जाके खा के आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ रश बहुत है। कबूल है मेन बाज़ार के ऊपर है ये तो इनकी शॉप, अलमोहसन पकौड़े एंड समोसे, अल हसन पकौड़े एंड समोसे। फिर मिट्टी दी बन गई तेरी, ना कर ऐसे हैरान फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। ये जी आ गए मैं चाचू की फैक्ट्री, ये है कोई वो तो फक वगैरह जो होती है वो बनाते हैं यहाँ, उनकी वो लगी हुई है सारी मशीनरी वगैरह आजकल तो, लेकिन हर चीज़ पे फक डाल डाल के ना फाकी हुई पड़ी है यहाँ। यहाँ जी आए हैं, इधर बैठते हैं जी ऑफिस में और ट्राई करते हैं। अब मैंने अभी ऐसे पहले खाए नहीं है, लेकिन अभी पता लगता है कैसे हैं, अभी पता लग जाता है खाते हैं। जी तो ये आ गए हैं जी हमारे पकौड़े, और साथ ये दही की उन्होंने हमें दिया, रायता है सारा ये दिया है। और अच्छा मुझे भी भाई बता रहे थे कि ये हर चीज़ मतलब दाल, जैसे आपको बड़े भाई ने बताया कि दाल खुद पीसते हैं, बेसन वगैरह दाल की खुद वहाँ से मंगवा के खुद करते हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा। फिर मुझे भी भाई बता रहे थे मेरे कज़न कि ये जो दही है ये भी ये घर जमाते हैं, बाजार से नहीं लेते, हर चीज़ मतलब इन्होंने घर से अपने करनी है। और देखे ना अजीब से है यार, मज़ेदार है बड़े, और रायता भी खास तौर भाई। मैंने नाश्ता नहीं किया था कि इतनी तारीफ सुनी, मैंने कहा यही डायरेक्ट खाऊंगा, लेकिन वाकई जी कमाल है, जवाब कोई नहीं, बड़े मज़ेदार है। दादा ये कोई इधर आ रहा हो ना इस एरिया से गुजर रहा हो तो लाजमी ट्राई करने वाली चीज़ है। एक टेस्ट मतलब आम पकौड़े तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन इनका एक टेस्ट भी, रेसिपी भी अलग है और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। कोई मसाले तेज नहीं है, सिंपल नॉर्मल, और पता नहीं रेसिपी अजीब सी है ना, फिक्के हैं लेकिन मसाले भी नहीं है, मसाले कोई ख़ास नहीं है डाले उन्होंने, बड़ा मज़ेदार है। तो हम ये खाते हैं, आप उनकी देर ये खाते हैं, फिर आपको दोबारा मैं आकर। सुबह जी कबूले से आके मैंने दिए हैं डब्बे अपने रैप होने, क्योंकि वो सिल्वर थे, मैंने कहा ब्लैक करा लूँ, अब वो ब्लैक कराए हैं, अब जाके रात हो गई है, अब जाके मिले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको भी, ये देखिएगा चला जी, ये हो गया, बता अब कहाँ जाना है हमने। अब हम जाएंगे नसरे के पास, नसरा नसरे का होटल, यहाँ का बेस्ट कढ़ाई जो है आरिफ वाला की, वो नसरे के होटल के पास है। कढ़ाई उससे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई आरिफ वाला में किसी की नहीं। मैं मुझे अभी ये बता रहे थे, मैंने कहा चलते हैं फिर अपना खाना वहाँ खाते हैं, उसको वीडियो आपको अगर अच्छी हुई तो दिखाते हैं आपको वो उसका सारा जाके। ये अब हम आ गए हैं अपने भाई के होटल पे, यहाँ आरिफ वाला में होटल नसरे का, ये उनके जी ओनर है हाफ साहब, अपने बड़े भाई हैं। यहाँ फुल ऑन तैयारी चल रही है, बारबेक्यू हर चीज़, और ये कढ़ाई शढ़ाई हर चीज़ बन रही है। अच्छा हाफ भाई कितनी देर हो गई है इस होटल को? ये 1990 में हमने शुरू, बुजुर्गों ने बनाया था होटल को, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले बुजुर्ग काम करते थे इधर, और अब हम तीनों भाई काम कर रहे हैं होटल पे। और ये सारा निज़ाम होटल की मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ, और कुकिंग वगैरह हम सर भाई और दोस्त मिल के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। और इनका वाकई मैं पहले एक दफ़ा आ चुका हूँ अपने बड़े भाई के साथ, आखिर कोई मज़ेदार, और ये तो हफ्तावार आता है ना, इसने अपनी ड्यूटी पकड़ी हुई है कि हर हफ्ते आना है। बेस्ट कराई आरफ वाले की ये है होटल नसरे का, और हाफिज़ साहब मेरे
बड़े पुराने दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे फैलो भी रहे हैं और बड़े पुराने मेरे जानने वाले भी हैं, इसलिए नहीं हम इनकी तारीफ़ कर रहे, इनके टेस्ट, इनके मेयार की वजह से, इनकी क्वांटिटी क्वालिटी की वजह से इनकी तारीफ़ है। और मैंने जो इनकी बेहतरीन चीज़ खाई है वो इनकी मलाई बोटी है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ थोड़ा थोड़ा के सीन के हैं, सीन जो है चेक करवा सकते हैं। ये चिकन कढ़ाई हाफ टन कर रहे हैं, ये इनके चिकन लगे हुए हैं, मटन वगैरह और इनके स्टॉल है, मैं आपको भी सारा दिखाता हूँ। लाइव में मटन, हाँ यहाँ लाइव बकरों को नंगा करके टांगा हुआ है, बकरों के कपड़े उतारे हुए हैं। ये अजी अपनी मर्जी से जो मर्जी उतवाएँ बुलवाएँ बकरे को जुदा कराएँ। यहाँ जी पूरा इन्होंने सीन है, सज्जी वगैरह है हर चीज़, और यहाँ प्लेटर का है, मैं आपको सज्जी का भी दिखा देता हूँ सारा राउंड। बारबेक्यू है और मतलब यहाँ फुल उसने ना माहौल बनाया हुआ है मेरे इस शहर में। ये सज्जी है, चावल वाली खादी है। ये जी सज्जी बना रहे हैं भाई, क्या हाल चाल है भाई जान। और ये सब्जी हमारा बन रहा है, और मैंने इनके बारबेक्यू तकरीबन ट्राई किया, जो मलाई बोटी है ना वो कोई कमाल की है। अगर आप आएँ तो मलाई बोटी इनकी ट्राई करके देखें, फिर आपको पता लगेगा। मतलब मैंने लाहौर में उतनी मज़ेदार नहीं खाई, मैं दोनों तरफ का बता सकता हूँ, ये स्पेशलिटी है इनकी। और अंदर बैठने का भी सीन कोई है भी। ये जी अपना यहाँ प्लेटर देखें जी, इसका मैं जिक्र कर रहा था, ये मलाई बोटी है, ये ग्रीन बोटी है, ये ढाका बोटी है, मटन चाँप है, ये जी मटन चाँप है, ये मलाई बोटी, ये ग्रीन बोटी, और वो साथ जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर सैलड या टमाटर वगैरह की पीसीज हैं, ये आ जाती है ढाका बोटी। मतलब पूरी वैरायटी है इस जगह पे। ये अपना खाना आ गया, काफ़ी रश इतना ज़्यादा, टाइम लग जाता है काफ़ी, तो काफ़ी टाइम हो गया, खाना आ गया। अब जी खाते हैं, देखते हैं कैसा है। चलो जी ट्राई करते हैं। ये जी ये आ गई जी मलाई बोटी, नहीं ये आ गई ढाका बोटी, ये अपनी ढाका बोटी इसे ट्राई करते हैं। मज़ेदार यार, इनके साथ इन्होंने ना सॉसेज दी है, तो इनका रायता बड़ा मज़ेदार है। और ये रायता भी है साथ, ये आम जो मिंट का रायता है, लेकिन जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है, इमली की सॉस, इमली की सॉस है ना, इमली की सॉस, इसमें आप लगा के चेक कर लें ज़रा। इमली की सॉस वैसे मज़ेदार है इस तरह खाएंगे, लेकिन ये जो है ना ये बिना टमाटर वगैरह और पेपर वगैरह की हुई है ना, इन्होंने साथ बारबेक्यू, वो अभी मज़ेदार है, मुझे कुछ भी फूड याद आ जाता है। अभी मलाई बोटी जो मैंने इनकी बताई थी कि सबसे आला किस्म की, अगर इनकी कोई सबसे मज़ेदार चीज़ है ना तो वो ये मलाई बोटी है, और गरम मलाई बोटी का स्वाद ही यही, जो मुँह में रखते ही ना डिजॉल्व होने लगते हैं, इतनी कोई होनी चाहिए इसे ना, एक रोटी में भी साथ में। गरम गरम हमारा खीर लेवल की है,
अब आते हैं ये अपनी कढ़ाई की तरफ। इसकी कढ़ाई का एक यूनिक टेस्ट है, मज़ेदार किस्म की, मतलब इतनी मैंने नहीं खाई, इस टेस्ट की नहीं खाई इतनी की, अगरा ये टेस्ट है लेकिन है अखीर मज़ेदार। साथ हमें जी फ्रेश सैलड भी है, और ये जो रायता दी है ना इसके अंदर उन्होंने चने और आलू को बॉयल करके डाले हुए और साथ दिया, वो कोई मज़ेदार लग रहा है साथ इसके। ये एक रायते के साथ लगा के खा के देखते हैं कैसा है। अल्टीमेट टेस्ट है जी, और मलाई बोटी तो वैसे मैं इनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे जो और जो मज़ेदार चीज़ लगी है ना वो है इनकी ये कढ़ाई। अल्टीमेट है जी, और ख़ास तौर पर ये इनकी ढाका बोटी। खाना ठंडा हो रहा है, तेरा भाई भी खा ले, उसने ना कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसके बाद आप करते हैं अगली जगह भी जाके दिखाते हैं। तो खाना खाने के बाद, इतना हैवी खाना खाने के बाद अब गुंजाइश तो नहीं, लेकिन मैंने कसूर की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें बताया था कि फलूदा मैं आप लोगों को खिलाऊँगा, कसूर का फलूदा आप लोग भूल जाएंगे, मेरे अपने शहर का जब मैं आपको ला के खिलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाई हैं जी, इनके मैम अभी तो ये तो नहीं, लेकिन इनके जो बड़े थे वहाँ बचपन से आ रहे हैं इधर खाने के लिए। फलूदा सर्दियों में देना है, आलू फुल्का कितना, एक थोड़ा सा चाहिए, देख ले खाना खाया हुआ। ये भाई जान आपको मैं दिखाता हूँ इनका, और फ़र्क भी बताता हूँ ज़रा आपको इन दोनों में। ये और इनके पास ये मेरा कल खोया है खीर, और ये रसमलाई है। ये जी हमारा फलूदा आ गया, इसे अब चल के ना खाते हैं, इस टाइम मेरी हिम्मत नहीं है, वैसे एक आधा चम्मच भी खाया जाए तो बड़ी बात है। अब मैं आपको इसमें जो मेन चीज़ बताता हूँ, ये जो इसकी रबड़ी है ना, जो कसूर वाले में मुझे पसंद नहीं आई थी, काफ़ी मेरे मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर, मुझे मैसेज आए यूट्यूब से भी मुझे आए कि जी आपने रबड़ी के बारे में तो आप दिखाएँ लाजमी हमें आरिफ अल्लाह वाला। तो ये देखें ये टेस्ट है इसका, ये मीठी है, उसके अंदर वो जो शीरे के बगैर अगर आप खाएंगे ना कसूर वाली तो आपको अजीब सी लगेगी, टेस्टलेस सी चीज़। अब मैं सोच रहा था कि रबड़ी दूध से बनने वाली चीज़ वो टेस्टलेस कैसे हो सकती है, तो वो एक केमिकल था, वो केमिकल टाइप था। तो मैं लोग हमारे, लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी पसंद है, लेकिन मुझे एक दफ़ा मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि जो आरिफ अल्लाह आके खा लेगा ना यहाँ का, वो कसूर का दोबारा नहीं खाएगा। हाँ ये ठंडा, मैं कहता सुकून मिल गया खाना खाने के बाद ना, तो अजबादार सी तबीयत हुई थी अब खा के, ये मज़ा आ गया। अच्छा मैं अपने भाई को भी कहता हूँ, आपको चख के बताता कैसा लगा। यार ज़रा आप आ जाए, आप भी खा के बताएं ना सर। एक तो आज पूरा दिन मेरे साथ ही लगा रहा, मैंने आज इसे काम पर नहीं आने दिया कहीं भी शोरूम पर, मैंने कहा तो आज मेरे साथ लगा। कसूर का भी तूने खाया हुआ है ना, कैसा आप खुद बताइए ईमान से। लिटरली कसूर का इसके सामने कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। वो अलग अलग सब चीज़ें सेपरेटली देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। आप ये ट्राई करें, ये शहनशाही कुल्फा है आरिफ वाला में जो डिप्टी चौक में, और ये बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कसूर वाला। अब ये है ना, अब ये भी कह रहा है, अब जो यहाँ आएगा ना, जो एक दफ़ा आप यहाँ का खा लेंगे ना, मुझे लगता है वो उन्हें फलूदा बनाना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है इसका कसूरी फलूदा वह उन्होंने नाम सुना हुआ है ना, बर्फ़ साथ दे देते हैं, वो बर्फ़ पानी बना देती है सारी हर चीज़ का। मतलब मेरी अपनी ये एक है, मुझे वहाँ
मतलब मैंने कसूर गए मेरा फ्रूट देखेंगे और घूमना फिरना, मुझे हर चीज़ पसंद आई थी, बस सिर्फ एक चीज़ थी जो मुझे जिसका इतनी हाइक क्रिएट की हुई है जी, कसूरी फलूदा ये और वो, मुझे अगर आपने असली खा लिया है तो आपको वो फेक एक लगेगा। तो ये मुझसे ये नहीं ख़त्म किया जा रहा था ये वाला, वो भाई ने हमें फिर एक गिफ्ट के तौर पर भेजा, कहते नहीं आप लाजमी ये हमारे खिलाना है, ये लाजमी खाए। अब उसे नहीं पता हम दोनों भाइयों की बात तो यही है, सुबह से फिर फिर के फूड का करके अब बात थी हमारी, इस टाइम मेरे से सोचा नहीं आता, लेकिन वो कहते नहीं भाई जान आप खाए ना पकड़े नहीं खाए अपने शहर में होने के कहीं ना फायदे तो है लेकिन नुकसान ही है, प्यार मोहब्बत में बंदा मारा जाता है। चले जी कुछ करते हैं, सोचते हैं क्या करना है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं आरिफाला वाला, अभी मैंने आगे जाना है, आगे और शहरों पे भी मियाँ मेरे तो टूर, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपका भाई। ओ हर वेले मन दिसदा ए बेजुगनी कें